अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जाएंगे सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये है। सूजी लिए हमने 1 कप, शुगर जाएगी चीनी इसमें तकरीबन 1.5 कप या 2 कप, और डिपेंड ऑन के आप लोग कितना मीठा खाते हैं, लेकिन इस 1 कप के लिहाज से इसमें 1.5 कप सूजी चीनी जानी चाहिए। घी लेंगे 1 कप, येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर लेंगे हम तकरीबन 1 पिंच लेके, मैंने उसमें जो हमारा केवड़ा है 2 टीस्पून केवड़ा डाल के मैंने इसको घोल लिया है, ये जाएगा। इलायची लिए सब्ज़ इलायची 5 से 6 दाने और इसके हमने थोड़ा थोड़ा खोल लिया है। बादाम लिए हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून और पिस्ता लिया है 1 टेबल स्पून और दोनों को मैंने कट करके रख लिया है, ये भी इसमें गार्निशिंग में जाएगा। किशमिश लिए हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। सबसे पहले पैन में 1 कप घी डालेंगे पूरा। अब घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें 4 से 5 इलायचियाँ और इसको डाल के थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। ये इलायचियाँ हमारी देखें गर्म हो गई हैं, घी भी अच्छे तरीके से खुशबू आ गई है। अब मैं इसमें ये 1 कप के करीब सूजी है पूरी ये डाल दूँगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक, इसको जैसे हम सूजी को भूनते हैं और इसको मैं भूनूंगी। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे 1 कप, थोड़ी सी 1/2 कप और। आप देखिएगा इतनी चीज शुगर आप डालेंगे तो हलवा बिल्कुल सही बनेगा, वरना आपकी शुगर अगर आप 1 कप डालेंगे, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर शुगर वगैरह नहीं खा सकते बहुत से लोग। अब इसमें ये जो हमने फूड कलर डाला है थोड़ा सा डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच के करीब डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम ऑरेंज सा कलर हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तो देखते जाएँ। अच्छा, इसके साथ अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 4 कप, 4 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अगर आपको थोड़ा फूड कलर कम लगे तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें पानी का रेशो थोड़ा ज़्यादा है, वो इसलिए कि सही हलवा बनाने के लिए आपको इतना पानी इसमें ज़रूरत होती है। अब इसको 1 से 2 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, 1 से 2 मिनट अभी हम इसको देखेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा हमारा। अब ये देखें मैंने तकरीबन 2 मिनट के करीब ये पकना शुरू हुआ है, अब ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसका ये टेक्सचर आप देखें इस तरह की फॉर्म में। जब हम पानी की क्वांटिटी कम डालते हैं और नॉर्मली जो हलवा घरों में बनाया जाता था पहले, तो वो थोड़ा सा एक लद्दड़ सा लड्डू जैसे बन जाता था। उसकी वजह ये होती थी कि एक तो उसको पानी की क्वांटिटी हम लोग कम यूज़ करते थे, तो अब जो बिल्कुल आप लोग हलवा पूरी वाले जो हलवा देखते हैं कि बिल्कुल जमा हुआ नहीं होता, वो थोड़ा इस तरह लिक्विडी सा होता है। अब 1 से 2 मिनट और पकाएंगे इसको और इसका ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होगा, बन जाएगा। देखें अब ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, गाढ़ा हो चुका है। इतना हमारा ये थिकनेस हो जाए या टेक्सचर ऐसा हो जाए तो आपको चूल्हा इसका बंद कर देना है। और आपने देखा इसमें हमने शीरा बिल्कुल नहीं डाला, सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसमें ये बादाम पिस्ते आधे में अभी डाल दूँगी, आधे गार्निशिंग में डालूँगी और ये डालेंगे किशमिश। इसके अलावा मेलन सीड्स होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको बस अब हम डिश आउट कर देंगे, सिंपली हमारा सूजी का हलवा पूरी के साथ खाने वाला रेडी है। ये हमारा सूजी का हलवा देखें रेडी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया और चांदी का वर्क लगा दिया। इसके अलावा ये थोड़े से बादाम पिस्ते ये हम इसको गार्निश करते हुए डालेंगे। वैसे बाज़ार से जब हम लोग लेने जाते हैं तो वहाँ पर बादाम पिस्ते या चांदी के वर्क तो नहीं होते, ये मेलन सीड्स होते हैं, ये लोग ये बस डालते हैं, तो थोड़े से ये भी हम डाल देंगे इसमें। ये इजीली आपको मिल जाएंगे 4 मग्स मेलन सीड्स, ये हमने डाल दिए इसमें। और अब आप लोग इसी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें,
और जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।